फ्लैट डेक हवाई जहाज का सबसे ऊंचा हिस्सा है। डेक पर है और यहाँ वरिष्ठ अधिकारियों के रहने की जगह स्थित है। आपके दाईं ओर पहला केबिन कमांडर के लिए था, जिसका स्थान एडमिरल के बाद दूसरे नंबर पर होता था। आपके बाईं ओर एडमिरल का सूट है, जिसमें प्ले केबिन, शयन कक्ष, बाथरूम और पेंट्री शामिल है। उसके पद के मुताबिक शाही अपार्टमेंट के बाद यह सबसे खुला हुआ और सुविधाजनक रिहायशी स्थान है। ब्रिटानिया के पूरे जीवन काल में उसके नौ एडमिरल और अंतिम कॉमोडोर यहीं पर काम करते, सोते और लोगों की खातिरदारी करते थे। हथेदार कुर्सियाँ और सोफा 100 साल से ज्यादा पुराने हैं और ये पिछले शाही जहाज थे।
अगर शाही यात्री नहीं होते थे तो एडमिरल डे केबिन में अकेले खाना खाते थे ताकि उनके साथी अफसरों को और सदन सहज होने का मौका मिल सके। गलियारे से आगे बढ़ें तो आप एडमिरल के पेंट्री पर पहुंच जाएंगे जहां ऑफिसर कैली से एडमिरल का खाना लाया जाता था और एक स्टूअर्ट उसे एडमिरल से परोसता था। एडमिरल के शयन केबिन को भी देख सकते हैं जिसमें सिकामोर की पॉलिश वाली अलमारियों की कतार है। इनमें उनकी चुस्त दुरुस्त वर्दियां रहती थी जो उन्हें अपनी ड्यूटी के मुताबिक कभी कभी तो दिन में 12 बार तक बदलनी पड़ती थी। यहाँ से बाहर डेक पर चलते जाएं जब तक कि आप गैराज पर ना पहुंच जाएं। केबिन में ब्रिटानिया का निर्माण हुआ था तो शाही लैंड रोवर या कभी कभी पेंटम 5 रोल्स रॉयस कार को रखने के लिए एक गैराज को बहुत जरूरी माना गया था, लेकिन वाहन को जहाज पर लाना कोई आसान काम नहीं था। सबसे पहले कार को उसके ट्रांसपोर्टर सहित उठाकर डेक पर फिट की हुई विशेष ट्रैक पर रखना होता था। उसके बाद फिर रोल्स रॉयस को गैराज में समाने के लिए उसके बम्पर हटाने पड़ते थे। हाल के समयों में आमतौर पर महारानी जिस देश की यात्रा पर जाती थी वहाँ कोई उपयुक्त कार हमेशा मिल जाती थी, इसलिए रोल्स को शायद ही कभी ले जाया जाता था और गैराज का इस्तेमाल बेयर स्टोर के तौर पर होने लगा था। ऊपर आप पुलिस या डेबिट देख सकते हैं जिन पर ब्रिटानिया की एक्टिविटी बोट रखी जाती थी। महारानी के वार्षिक वेस्टर्न आइल्स क्रूज और रॉयल बार्ज के दौरान निजी पिकनिक के लिए शाही परिवार को तट पर ले जाने के लिए अक्सर इसका इस्तेमाल किया जाता था। कुल 10 नौकाओं और 18 जीवन रक्षक क्राफ्ट के साथ ब्रिटानिया किसी युद्ध पोर्ट से ज्यादा नावें लेकर चलता था। जहाज के आगे की ओर दोनों तरफ दो एक जैसी मोटर बोटें हैं जिन्हें जॉली बोट कहते थे और जहाज के दूसरी ओर ब्रिटानिया की दो तेज रफ्तार मोटर बोट के लिए डेविड बने हैं जिनका इस्तेमाल महारानी के जहाज पर होने के समय रॉयल बार्ज के आगे चलने के लिए किया जाता था। जब ब्रिटानिया ने 1986 में युद्ध से पीड़ित अगन से 1000 से ज्यादा लोगों को बचाया था तो इन पांचों नौकाओं ने मिलकर एक अहम भूमिका निभाई। थैंक यू। यहाँ से आप जहाज के फैनल को अपने ऊपर उठते हुए देख सकते हैं। इसके बाईं ओर मुख्य मस्तूल है जो जलयान का मध्य बिंदु है और शाही जहाज को दो हिस्सों में बांटता है। मुख्य मस्तूल के आगे जिस स्थान से अभी आप आए हैं ब्रिटानिया का कार्य क्षेत्र है जहाँ 20 अधिकारी और 230 नाविक काफी भीड़ भाड़ भरी स्थितियों में रहते थे। दूसरी दिशा में मुख्य मस्तूल के पीछे शाही परिवार और शाही गृहस्थों के उन 45 सदस्यों के रहने के स्थान हैं जो महारानी की राजकीय यात्राओं पर सहायता करते थे। इस डेक पर आगे चलते हुए आप देखेंगे कि यहाँ की खिड़कियाँ जहाज पर किसी भी दूसरे स्थान के मुकाबले ज्यादा ऊंचाई पर हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये खिड़कियाँ महारानी और ड्यूक ऑफ एडिनबरा के शयन कक्ष में खुलती हैं। डेक पर उन्हें इस ऊंचाई पर रखने से शाही शयन कक्षों में अनजाने में नजर डालने से बचा जा सकता था। यहाँ से आगे बढ़ते हुए मैं
Number six, that's that. So you don't. Thank you.
यह कमरा जिसे उप कक्ष या एंट्री रूम जाता है बगल के वॉर रूम के साथ मिलकर अधिकारियों का मुख्य मनोरंजन स्थल होता था। चालक दल के शेष लोगों के लिए यहाँ आना सख्ती से मना था और ये कमरे एक तरह से तैरता हुआ जेंटलमैन्स क्लब था। अधिकारी अक्सर एंट्री रूम में इकट्ठा होते थे टेबल ड्रिंक्स के लिए ही नहीं बल्कि कई जमीन देखने प्रतिस्पर्धा वाले ब्रिटानिया के जहाज क्विज में भाग लेते थे। खास तौर पर होने वाला एक यादगार खेल था बॉम्बैट टेनिस। इसे दो टीमें बॉम्बैट के सॉफ्ट टॉय से खेलती थी और खूब शोर शराबे के साथ उनका उत्साह वर्धन जाता था। बॉम्बैट को उछाल कर छत के पंखे में फेंका जाता था और फिर बैटिंग शुरू हो जाती थी। किसी लेडी ने यह सोचकर उस बॉम्बैट को उपहार शुरू किया था कि उसे प्यार से रखा जाएगा मगर आमतौर पर उसकी हालत खस्ता हो जाती थी। एंट्री रूम में एक और खिलौना जानवर एक छोटा सा लकड़ी का बंदर था। वह 1957 में महारानी की कोपेनहेगन यात्रा के दौरान जहाज पर आया था। हालांकि किसी भी अधिकारी को कभी उसे छूने की इजाजत नहीं थी मगर वह रहस्यमय ढंग से वार्डरूम में घूमता रहता था और हर दिन किसी नई जगह पर छिपा पाया जाता था। आज वह बार के पीछे के केस में रखा है जहां वह उस चांदी के जहाज से लटका हुआ है जो वास्तव में एक विशाल नमकदानी का ऊपरी भाग है जिसके अंतिम स्वामी रूस के ज़ार थे। यहाँ वॉर्डरूम में ब्रिटानिया के 19 अधिकारी रोज भोजन के लिए और लंबी ड्यूटी निभाने के बाद फुर्सत के दिन बिताने के लिए इकट्ठा होते थे। कमरे के इस भाग में एक खूबसूरत डाइनिंग टेबल है जहाँ अधिकारी भोजन करते थे। ब्रेकफास्ट और लंच थोड़ा अनौपचारिक होते थे और अधिकारी अपनी मर्जी से आते जाते थे लेकिन डिनर बिल्कुल अलग हटकर होता था। शाम को अधिकारी सफेद शर्ट काली पतलून कमरबंद और पेटेंट लेदर के जूतों वाली नौसेना की पारंपरिक वर्दी पहनकर डिनर के पहले के ड्रिंक्स के लिए एंट्री रूम में इकट्ठा होते थे। समुद्र पर होने के समय पहनी जाने वाली इस वर्दी को रेड सी रेड कहा जाता था। जहाज के कनिष्ठ कर्मियों में से अनेक नेवल स्टीवर्ड होते थे और वॉटरूम रैली के खानसामों द्वारा तैयार बेहतरीन व्यंजनों और ब्रिटानिया के वाइन सेलर से लाए गए उमदा शराबों को परोसना उनका काम होता था। रॉयल मैरीन्स बैंड जब शाही ड्यूटी पर नहीं होता था तब भोजन के साथ संगीत के सुर बिखेरता था। मॉडर्न कलेक्शन 19वीं और 20वीं सदी की चांदी की वस्तुओं का एक चमचमाता हुआ संग्रह है। कमरे के कोने में फ्रेड स्टैंडिंग के बगल में रखे केस में आम अधिकारियों द्वारा भोजन करते समय इस्तेमाल की गई कुछ वस्तुएं देख सकते हैं जिनमें क्रॉकरी टेबल मैट नैपकिन ड्रिंक और मेन्यू होल्डर शामिल है। अब इसके बगल के स्टैंडिंग शोकेस में देखें। सबसे ऊपर चांदी के पेडिस्टल्स लगाते हैं जिसमें उठते हुए घोड़ों जैसे दस्ते लगे हैं। इस पर चार पिछली शाही नौकाएं प्रदर्शित हैं और इसे 1901 में रॉयल जहाज विक्टोरिया एंड एल्बर्ट के अधिकारियों द्वारा बोर्डरूम को भेंट किया गया था। पेडिस्टल्स लगाते के दोनों तरफ दो चांदी की क्रोमवेलियन सुराहियाँ हैं जो 1909 में बनी थी। उन पर विक्टोरिया एंड एल्बर्ट का प्रतीक चिन्ह खुदा हुआ है। उनके नीचे 1909 के समय के ही लोगों से जड़ा हुआ एक रूसी पंच बाउल और एक चमचा रखा है। केस में सबसे नीचे रखा ध्वज जिन पेमेंट है। अधिकारी इसका इस्तेमाल करके बताते थे कि एंट्री रूम बार में ड्रिंक्स
कौन खरीद रहा है। जब कोई अधिकारी उस झंडे को उठाता था तो भैंस उल्टी न हो जाती थी। बोर्डरूम के निकास द्वार के पास के केस में कई तरह के खेलों की ट्रॉफियां और चांदी के कप रखे थे। रॉयल कोपेनहेगन चीनी मिट्टी का पोलर बेयर सबसे नीचे के शेल्फ पर पहरा दे रहा है। वह एक नक्काशीदार आदमियों की चौकी पर रखा है और इसे 1911 में कोपेनहेगन रॉयल जहाज विक्टोरिया एंड एल्बर्ट के अधिकारियों ने दिया था। आपको अब भी इस भाग में रसोई में काम करते हुए दिखाई दे सकते हैं। अब आप रॉयल ब्रिटानिया के सबसे बड़े और भव्य कक्ष राजकीय भोजन कक्ष में हैं। महारानी और ड्यूक ऑफ एडिनबरा यहाँ पर शानदार ढंग से अपने अतिथियों की खातिरदारी करते थे। सर्वोच्च सम्मान यानी महामहिम महारानी के मेज पर भोजन का आमंत्रण स्वीकार करने के लिए इन दरवाजों से होकर विश्व की कुछ सबसे शक्तिशाली शख्सियतें गुजरी हैं। सर विंस्टन चर्चिल, राजीव गांधी, नेल्सन मंडेला, बिल क्लिंटन, बोरिस यल्सिन, रोनल्ड रेगन और मार्गरेट थैचर, ये सभी इस शाही जहाज पर इतिहास में नाम दर्ज करा चुके हैं। ब्रिटानिया पर होने वाला भोज अपने आप में अनूठा इसलिए बन जाता था क्योंकि छोटे से छोटे ब्यौरे पर ध्यान दिया जाता था और सब कुछ एक अचूक और शानदार अंदाज में संचालित होता था। राजकीय भोज के लिए 56 स्थानों को सेट करने में 3 घंटे लगते थे क्योंकि हर छुरे कांटे चम्मच को रूलर से सावधानी के साथ नाप कर रखा जाता था। ब्रिटानिया के रवाना होने से पहले फ्रेंच शैली में छपाए गए मेन्यू को एक बेहद खास रात की यादगार के तौर पर रखने के लिए हर एक मेहमान को दिया जाता था। शुरुआती वर्षों में डाइनिंग रूम सिनेमा के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता था। को महारानी का सिटिंग रूम कहा जाता है लेकिन असल में इसमें दफ्तर का काम ज्यादा होता था क्योंकि वही वह जगह थी जहां महारानी राजकीय मसलों पर काम करती थी और आगामी शाही यात्रा पर चर्चा करने के लिए अपनी निजी प्रेस सेक्रेटरी के साथ मुलाकात करती थी। यहाँ मुख्य तौर पर राजकुमार फिलिप और राजकुमार चार्ल्स भी पढ़ाई करने के लिए इस्तेमाल करते थे। महारानी के सेटिंग रूम जितना ही बड़ा, सागवान के तख्ते लगी दीवारें और लाल चमड़े के ऊपरी भाग वाला डेस्क इस बात का आभास कराता है कि राजकुमार फिलिप किस तरह से पढ़ाई करते होंगे। डेस्क के ऊपर विशेष रूप से तैयार किया गया डिस्प्ले केस है जिसमें ड्यूक अपनी पहली नौसैनिक तस्वीर HMS मैगपाई का नमूना रखते थे। महारानी और राजकुमार फिलिप के सिटिंग रूम एक दूसरे से और एक डेक नीचे उनके निजी सेक्रेटरियों के दफ्तरों से टेलीफोन द्वारा जुड़े हुए हैं। यही वह गलियारा है जहाँ शाही परिवार और उनके मेहमान दोपहर या रात के खाने से पहले ड्यूक
बच्चे इसके लिए इकट्ठा होते थे। यह आलीशान और सुंदर ड्राइंग रूम शाही परिवार के आराम के लिए भी इस्तेमाल होता था और स्वागत कक्ष के तौर पर भी। सरकारी कार्यक्रमों के लिए गलियारे और ड्राइंग रूम के साथ ड्राइंग रूम में 250 तक मेहमान समा जाते थे। ड्राइंग रूम छीटदार कपड़े के कवर वाले सोफों और गहरे हत्थेदार कुर्सियों से सुविधाजनक रूप से सुसज्जित है, जो शानदार ईरानी गलीचे पर रखे गए हैं। महारानी ने पहले इस कमरे में कोयले वाले आतिशदान का अनुरोध किया था, लेकिन जैसे कि नौसेना की कार्य प्रणाली के अनुसार जरूरी था कि एक नाविक को हर समय फायर बकेट लेकर खड़े रहना पड़ता, इसलिए इसे खारिज करके इलेक्ट्रिक फायरप्लेस का विकल्प चुना गया, जिसे आप आज देख रहे हैं। वेलमा बेबी ग्रैंड पियानो को जब 1952 में सप्लाई किया गया था, तब इस पर 350 पाउंड का खर्च आया था और इसे अस्थिर समुद्र में इधर उधर हिलने से रोकने के लिए डेक पर मजबूती से नट बोल्ट से जड़ा गया है। इस पियानो को बजाने वाले सबसे ज्यादा मशहूर कलाकारों में से एक थे नाटककार सर रॉयल कॉवर्ड और शाही परिवार में से राजकुमारी डायना, राजकुमारी मार्गरेट और राजकुमारी अलेक्जेंड्रा। सभी ब्रिटानिया पर स्थित बेज ग्रैंड पर बजाने का आनंद उठाते थे। ज्यादा औपचारिक रिसेप्शन के लिए कभी कभार रेजिडेंट पियानो वादक रॉयल मेरीन्स बैंड के साथ मिलकर बैकग्राउंड संगीत बजाते थे, जबकि शाही परिवार और उनके मेहमान वहां रात के भोजन के बाद की बातचीत कर रहे होते थे। कमरे में कई ताश खेलने के मेज हैं, जहां शाही परिवार विस्ट या ब्रिज गेम खेलते हुए शाम बिता सकता था और यहां शाही परिवार के बच्चे जिक्सा या बोर्ड गेम सेट कर सकते थे। This is all new. छोटे अधिकारी और रॉयल मरीन साथ जताते थे। आप अध्यक्ष कमरे में हैं, वहाँ छोटे अधिकारी आराम करते थे और उनके सोने के क्वार्टर इस हिस्से में चार चार चारपाइयों की जगहों में व्यवस्थित किए गए थे। स्नेही और दोस्ताना माहौल होने के कारण लोग यहाँ ड्रिंक लेने का न्योता पाने के फिराक में रहते थे। खासतौर पर बकिंघम पैलेस का स्टाफ जल्दी जहाज पर रहते थे। स्कॉटलैंड के उत्तर पश्चिम के किनारे वेस्टर्न आइल्स के महारानी के क्रूज के दौरान ब्रिटानिया के आम तौर पर सख्त प्रोटोकॉल को ढीला कर दिया जाता था और तब छोटे अधिकारी यहीं पर महारानी और शाही परिवार के अन्य सदस्यों की खातिरदारी करते थे। 20 तक छोटे अधिकारी ब्रिटानिया पर सेवारत थे, जिनके पास रेडियो निरीक्षक और मरीन इंजीनियर से लेकर स्टूअर्ड और कुत्ते की जिम्मेदारियां थी। रॉयल मरीन सार्जेंट भी इस मेस का इस्तेमाल करते थे। इनमें से कुछ की सुरक्षा संबंधी जिम्मेदारियां थी, जबकि बाकी ब्रिटानिया के बैंड का हिस्सा थे। ब्रिटानिया पर रॉयल मरीन से एक अलग टुकड़ी थी और वे अपने खुद के मेज में रखते और सोते थे, जिन्हें बैरक कहा जाता था। हर किसी के लिए सुरक्षा का मसला हमेशा सबसे जरूरी मसला होता था और स्कॉटलैंड यार्ड के जासूस और रॉयल मरीन के टुकड़े हमेशा जहाज पर शाही परिवार के साथ रहते थे। नौ रॉयल मरीन अनुष्ठानी गार्ड या संक्रमण की भूमिका निभाते थे, जो ब्रिटानिया के बंदरगाह पर लंगर डालने के दौरान
सोचिए। बताया है कि किसी भी बंदर का घर मेरे घर में से पहले मरीन आतंकवादी उपकरणों के लिए समुद्र तल और आसपास के क्षेत्र को छान मारते थे और सुरक्षा जांच करने के लिए रोज जहाज से पेटी में डुबकी लगाते थे। शायद जिसके लिए रॉयल मरीन सबसे ज्यादा जाने जाते थे वह था ब्रिटानिया का बैंड। जब कभी ब्रिटानिया शाही युद्ध पर होता था तो रॉयल मरीन बैंड सर्विस के 26 सदस्यों को जो सभी प्रशिक्षित वादक थे बजाने की जिम्मेदारी दी जाती थी। जहाज के सबसे वरिष्ठ व्यक्तियों वरिष्ठ अधिकारियों और मुख्य छोटे अधिकारियों की अपने खुद के लिए और सोने के अलग पैकेज होते थे जिनमें कुछ आप अभी करते हुए देख सकते हैं। मुख्य छोटे अधिकारियों की जिम्मेदारी कई तरह की गतिविधियों के प्रबंधन की होती थी। जो निगेटिव विभाग में काम करते थे तो खुदा से संचार कंपनी में काम करते थे जो महारानी के लिए और इंक्रिप्टेड संदेशों पर काम करते थे। नौ मुख्य छोटे अधिकारी इंजीनियरिंग विभाग में काम करते थे। इंजीनियर ट्रेलर और सहायक इंजीनियरिंग औजारों के इंचार्ज चक्रवातन आपूर्ति विभाग में होते थे। कृषि और जहाज के चार कदम के राशन के इंचार्ज होते थे। जब जहाज शाही ध्वज पर होता तो महारानी की सरकारी डाक रोज हर हाल में लंदन से हवाई और समुद्री मार्ग से भेज हो जाती थी। जहाज के 1950 के दशक की अपनी मूल सेटिंग वाला सिट पेज और सटा हुआ ऑपरेटिंग थिएटर सीधा साधा और थोड़ा मंजर सकते थे। सिक्के में चारपाई वाले बेड में दो मरीजों की जगह थी और फिर कई सीट में दो चारपाइयाँ लगी थी। कुल मिलाकर इंचार्ज प्रिंसिपल मेडिकल अधिकारी थे जो दो मुख्य छोटे अधिकारियों वाले मेडिकल विभाग के मुखिया थे। रॉयल नेवी में एकमात्र ऐसा जहाज था जिसमें अपने दल के सदस्यों द्वारा स्थायी रूप से चलाए जाने वाले लॉन्ड्री थी। इस आकार के जहाज के लिए सामान्य रूप से लॉन्ड्री इतनी बड़ी होती है ये उससे बड़ी थी। अतिरिक्त क्षमता की जरूरत थी ताकि जहाज को कभी एक अस्पताल वाले जहाज में बदला जा सके। जब जहाज रॉयल नेवी का था तो 240 अफसर और डॉक्टर नियमित रूप से दिन में 6 बार तक यूनिफॉर्म बदलने की उम्मीद कर सकते थे। धुलाई के इस बड़े परिमाण के साथ लॉन्ड्री बिना रुके दिन भर काम करती रहती थी। लॉन्ड्री चाहे
परिवार प्रति सेवा देते हैं। हालांकि कार्य की एक सतत योजना सुनिश्चित करते हैं। उनके खिलाड़ी और अधिकारियों तथा यात्रियों के लिए जिला का काम अलग अलग दिन है। एक पेटी अफसर लॉन्ड्री का प्रभारी था और वह 8 कर्मचारियों के साथ यह सुनिश्चित करने का काम करता था कि सभी सवारियां बेताब परेशानी में नजर आए। ज्यादातर उपकरण जिन्हें आप आज यहाँ देख रहे हैं वे मूल रूप से 1970 में स्थापित किए गए थे। लॉन्ड्री का पर्यावरण गर्म और शुद्ध भरा था और जब ब्रिटेनिया शॉपिंग की ओर रवाना होता था तो यहाँ तापमान 45 डिग्री सेल्सियस या 130 डिग्री फारेनहाइट तक बढ़ सकता था। यह रॉयल गार्ड है जो ब्रिटेनियों से दुनिया के बंदरगाहों पर डंडे डाल कर रखा जाता था। पुराने प्रत्येक ऑफिसर समुद्र तट की यात्रा इससे करते थे। कर्नल राजकुमार फिलिप बॉटल फिलिप कैबिन में बैठते थे जिसे खास तौर पर यह सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया था कि जब वे तट की ओर आए तो वह स्पष्ट रूप से दिखाई दे। जब रानी जहाज पर होती थी तो रोयल गार्ड 5 लोगों के चालक दल और 1 मोटर बोट द्वारा चलाया जाता था। बार्ज के 1964 में कैंपर निकलसन द्वारा पिछले रोयल बार्ज पर जगह लेने के लिए बनाया गया था जो मूल रूप से रॉयल जहाज विक्टोरिया एंड एल्बर्ट 3rd का था। यह बार्ज 12.5 मीटर या 40 फुट लंबा है और इसमें 125 हॉर्स पावर के 2 इंजन लगे हुए हैं जो 30 नोट की अधिकतम गति से चलने में सक्षम है। हालांकि इसकी सामान्य गति 18 नोट है। रॉयल जहाज ब्रिटेनिया के चमचमाते इंजीनियर ब्रिटिश मेरीन इंजीनियरिंग के लिए स्विच और डायल 1997 में ब्रिटेनिया को कार्यमुक्त किए जाने तक बिना किसी खराबी के काम करते रहे। जब अमेरिका के जिले को 1992 में ब्रिटेनिया का बेजान इंजन रूम दिखाया गया तो कहा जाता है कि उन्होंने कुछ ऐसा कहा, ठीक है, मैंने इंजन रूम देख लिया है, अब दूसरी इंजन रूम कहाँ है। और यह सच है कि क्रोम डायल और पुराने जमाने के भाप टरबाइनों वाले इंजन रूम में प्राचीनता का एक वातावरण है, लेकिन ये जहाज का दर्द था और यही वो इंजन थे जो ब्रिटानिया को 1 मिलियन मील से भी अधिक दूरी तक ले गए थे। Wash basins, both sides. Ooh, nice. Oh.